आप सभी का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के इस साल का बोलबम सॉन्ग, जिसका धमाकेदार पोस्टर आप सभी के बीच में अब रिलीज किया जाएगा। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं अपने पावर स्टार पवन सिंह की अब तक की कुछ बड़ी खबरों के बारे में, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अपने पावर स्टार पवन सिंह के इस साल का पहला बोलबम सॉन्ग, जिसका इंतजार उनके फैंस काफी बेचैनी से कर रहे हैं, तो आप सभी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। और खबरें आ रही है कि एक दो दिन के अंदर पावर स्टार पवन सिंह के पहले बोलबम गाने का पोस्टर रिलीज कर दिया जाएगा। वैसे आप सभी को बता दें कि क्वीन शालिनी के साथ में भी अपने पावर स्टार पवन सिंह के एक धमाकेदार बोलबम गाने का जबरदस्त शूटिंग हुआ है, और इस गाने को काफी महंगे बजट पर शूट किया गया है। अब चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह का एक और गाना 100 मिलियन क्लब में शामिल हो चुका है, और वो गाना है गोदी में लेके, जो क्वीन शालिनी के साथ में रिलीज किया गया था, और गाने को गाई थी शिल्पी राज पावर स्टार पवन सिंह के साथ में। इसके साथ ही सोशल मीडिया से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरुख खान की एक फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह गाना गाने वाले हैं, और उस फिल्म का नाम है द किंग। मगर इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, मगर सोशल मीडिया पर ये खबर तेजी से फैल रही है। इसके साथ ही पावर स्टार पवन सिंह का बहुत जल्द एक बॉलीवुड सॉन्ग भी आने वाला है, बॉलीवुड सिंगर बी पराग के साथ में, जो वायरल भोजपुरी चैनल पर रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि सड़िया बुलुकिया गाने पर 33 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, और ये गाना टॉप म्यूजिक में 5 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं चूल्हा अलगे जरी, जिस पर 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।